तो अपेरेंटली अभी रात के 11 बज चुके हैं, इसलिए थोड़ा लो लो रहना पड़ेगा, मतलब लो लो बोलना पड़ेगा, क्योंकि बगल वाली आंटी ने अगर पुलिस बुला ली तो दिक्कत हो जाएगी। तो रात में वीडियो बनाने का तात्पर्य है क्योंकि कुछ नए हिंदी डब्स आए हैं, तो कौन सी बड़ी बात है, सुबह तक का वेट कर लेना चाहिए था, है ना। लेकिन सुबह काम धंधे होते हैं, सुबह कुछ नहीं आएगा। तो फोकस फीचर्स, ये यूनिवर्सल की ही ओन्ड कंपनी है और ये मास्टरपीस मूवी बनाने के लिए जाने जाते हैं, जैसे ऑस्कर विनिंग टार मूवी भी इन्होंने बनाई है। हाँ, लेकिन मास्टर शिट मूवी जैसे कि एस्ट्रॉइड सिटी वो भी इन्होंने ही बनाई है। लेकिन पॉइंट ये है कि इनकी मूवीज इजीली हिंदी में डब होती नहीं थी। हाँ, जियो सिनेमा की पीकॉक के साथ डील हुई है, ऑब्वियसली इनकी सारी मूवीज जियो सिनेमा पे अवेलेबल होनी ही थी, लेकिन हिंदी डब में उसका कुछ क्लियर नहीं था। तो अभी अभी वुडी हैरल्सन की चैंपियंस, विलियम डेफो की इनसाइड और ऑफ एन एज मूवी हिंदी में स्ट्रीम कर रही है जियो सिनेमा पर। ये फोकस फीचर्स की पहली मूवी नहीं है जो हिंदी में जियो सिनेमा पे रिलीज हुई है। इससे पहले स्पॉइलर अलर्ट मूवी अगर आपको याद हो, वो भी जियो सिनेमा पे रिलीज हुई थी। लेकिन बात यह है कि इन मूवीज को थिएटर में रिलीज किया जाता है एंड इंडिया में भी थिएटर्स में रिलीज होती है, लेकिन सिर्फ इंग्लिश में। बाद में उनको डब करके जैसे कि एस्ट्रॉइड सिटी उनको डाला जाता है वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स पे, एंड अभी भी ये मूवीज जो मैंने मेंशन की दुनिया भर में वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स पे स्ट्रीम कर रही हैं। तो इक्का दुक्का मूवी की डबिंग तो पहले भी हो जाती थी, लेकिन वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स के लिए। यहाँ पे तीन मूवीज एक साथ रिलीज हुई है जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म के लिए, यानी हाई चांस है कि फ्यूचर में यूनिवर्सल की मूवीज स्पेसिफिकली फोकस पिक्चर्स से जो आती हैं तो वो जब पीकॉक पे रिलीज होंगी तभी जियो सिनेमा पे होंगी, वो भी हिंदी डब के साथ, उससे पहले नहीं, बाद में नहीं, यानी शायद वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म पे अब से हिंदी में रिलीज ना हो। द पॉइंट बीइंग, ये मूवी जियो सिनेमा के अंडर डब हुई है क्योंकि यूनिवर्सल ने जियो को लाइसेंस किया है कि भाई दिखाओ हिंदी में हमारी मूवीज को दिखाओ। डब यहाँ पे मेरा गैस है कि खुद यूनिवर्सल ही करा रहा है, लेकिन अब एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा है। लेकिन डिज्नी स्टार जनरली ऐसा करता है कि वो खुद ही डबिंग राइट्स ले लेते हैं। तो ये एक कलेक्टिव एविडेंस है कि जल्दी जियो सिनेमा पे गेम ऑफ थ्रोन्स हिंदी में आ रहा है। बात तो भाई घूम फिर के गेम ऑफ थ्रोन्स की है भाई, मैं साफ कह रहा हूँ। अगर तुम मेरा पॉइंट नहीं समझे तो कह दूं कि जियो सिनेमा के पास डबिंग राइट्स हैं। भाई आज के लिए तो इतना ही, लेकिन कल 3 शानदार वीडियोस आ रही हैं, ठीक है, वो वीडियोस क्वालिटी है क्वालिटी, मल्टी प्लेटफॉर्म्स पे आएंगी, तो प्लीज देख लेना। अब गुड नाइट।